दिस इज़ दी रियलमी नार्सो 50A प्राइम एंड सच्ची बताओ तो पिछले लगभग 10 दिनों से आई हैव बीन यूजिंग दिस डिवाइस। नाउ 10 से 12,000 रुपए के अंदर ये डिवाइस का प्राइसिंग आता है एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्मार्टफोन विद इन दिस प्राइस रेंज देन दिस वीडियो कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आई एम दीपांजन फ्रॉम androgynz.com एंड वेलकम टू दी ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ रियलमी नार्सो 50A प्राइम। दिस इज दी बॉक्स ऑफ द रियलमी नार्सो 50A प्राइम एंड एज यू कैन क्लियरली सी दूसरे सारे नार्सो डिवाइसेस की तरह ये बॉक्स भी बिल्कुल ब्लू कलर के साथ आता है। नाउ सबसे पहले जब आप इस बॉक्स को ओपन करोगे ना आप कुछ डॉक्यूमेंटेशन एंड एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाएगा। इसके साथ उसके नीचे आपको द एक्चुअल स्मार्टफोन द रियलमी नार्सो 50A प्राइम देखने को मिलेगा एंड उसके ठीक नीचे आपको USB टाइप सी केबल देखने को मिल जाएगा। एंड रिमेंबर वन थिंग, इस बॉक्स के अंदर आपको कोई भी चार्जर देखने को नहीं मिलता, सो दैट्स समथिंग। डिजाइन एंड बिल्ड की अगर हम बात करें ना, सो एज यू कैन क्लियरली सी रियलमी नार्सो 50A प्राइम एक बॉक्सी टाइप के डिजाइन के साथ आता है, बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि इसका फॉर्म फैक्टर ना काफी ज्यादा बैलेंस एंड काफी ज्यादा अच्छा है। ऑल्सो दी वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो वन पॉइंट। एंड एक बात और सिर्फ 8.1 mm स्लिम ये डिवाइस है, यू कैन क्लियरली सी द स्लिकनेस ऑफ दिस डिवाइस फॉर श्योर। एक बात और कि रियर साइड में आपको जो डिजाइन देखने को मिलता है ना वो भी काफी ज्यादा बेहतरीन है। एंड रियलमी की अगर आप मानो तो यहाँ पे आपको केवलर टेक्सचर बैक डिजाइन देखने को मिल जाता है which looks really premium and black color में तो भाई काफी ज्यादा जबरदस्त ही दिखता है। Now एक बात तो आप clearly बोल सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ 10-12,000 रुपीस इसके price range होने के बावजूद भी ना इसका जो design and looks है ना वो काफी ज्यादा premium segment के looks के मामले में comparable है and ये definitely काफी एक plus point है। Now talking about the display of this phone, तो Realme Narzo 50A Prime में आपको 6.6 inches का एक FHD Plus display देखने को मिल जाता है with a resolution of 2408x1080 and with that आपको इस device में एक 90.7% का एक screen to body ratio भी देखने को मिल जाएगा। You can clearly see कि आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 rupees के एक budget smartphone में भी काफी एक बड़ा display देखने को मिल जाता है which looks definitely cool, but मुझे personally इसका display थोड़ा सा dull लगा, like you can clearly see the color reproduction and everything कि कितना ज़्यादा फ्लैट इसका एक कलर रिप्रोडक्शन है, बट ओवरऑल अगर आप एक मूवी बफ हो एंड आपको एक बजट स्मार्टफोन की तलाश में है टू वॉच सम रियली कॉन्टेंट्स लाइक नेटफ्लिक्स एंड दूसरे कोई OTT प्लेटफॉर्म में आपको मूवी वगैरह देखना है देन श्योरली यू कैन ट्राई दिस डिवाइस आउट। बट मैं आपको पहले रिकमेंड करूंगा आप एक बार दुकान में जाके इसको इन हैंड फील करके देखो, क्या पता आपको इसका डिस्प्ले मुझसे भी ज्यादा पसंद आए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले ना आई वुड लव टू लेट यू गाइस नो अबाउट अ कूल ऐप कॉल्ड एंडस्पॉट। नाउ मुझे पता है कि आप लोग काफी सारे यूट्यूब वीडियोस एंड पॉडकास्ट को देख के एंड सुन के ना काफी सारे स्किल्स को एनहांस करते हो। फॉर मी, मैंने प्रोग्रामिंग वगैरह सीखा था। कैसा हो अगर आपके पास एक ऐसा ऐप हो जो कि आपको मदद करे कोई भी पॉडकास्ट या फिर यूट्यूब वीडियोस से उन सारे टिप्स को या फिर उन सारे टॉपिक्स को एक नोट की तरह लाइक लिस्ट करवाना। नाउ एंडस्पॉट डज द एग्जैक्ट सेम थिंग फॉर यू। गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से आप फ्री में इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ इस ऐप को ओपन करने के बाद ना यू विल फाइंड एन इंटरफेस लाइक दिस। सो कोई भी वीडियो या फिर पॉडकास्ट को ऐड करने के लिए यू जस्ट हैव टू टैप ऑन द प्लस आइकन एंड यू कैन डायरेक्टली ब्राउज फ्रॉम एनी यूट्यूब वीडियोज और पॉडकास्ट। कोई भी पर्टिकुलर जॉनर में वीडियोज एंड पॉडकास्ट को सिलेक्ट करने के लिए ना यू कैन ऑल्सो यूज द सर्च आइकन टू फाइंड एनी काइंड ऑफ टॉपिक्स एंड कोई भी वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद ना यू जस्ट हैव टू ऐड इट। आपको बस एक टाइम को चूज करना है देन स्टार्ट वाले बटन को क्लिक करके ना यू कैन क्रिएट न्यू मोमेंट्स एंड ऑल्सो आप नोट्स एंड पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बिल्कुल टॉप में आपको जो पहला लिंक दिखेगा ना उसको क्लिक करके यू कैन क्लियरली एंड इजीली डाउनलोड दिस ऐप फॉर फ्री फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर, सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। नाउ कमिंग बैक टू द परफॉर्मेंस, रियलमी नार्सो 50A प्राइम में ना आपको T612 चिपसेट देखने को मिल जाता है एंड सरप्राइजिंगली टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने सोचा था ये चिपसेट उतना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा कंपेयरिंग विद द प्राइस रेंज, बट आई वॉज टोटली सरप्राइज टू सी द एक्चुअल परफॉर्मेंस इन रियल लाइफ। मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन इसका परफॉर्मेंस लगा एंड मैं सच्ची बोलूँ तो डिस्प्ले से भी बेटर मुझे इस डिवाइस का परफॉर्मेंस लगा टू बी वेरी ऑनेस्ट। नाउ सारे के सारे मल्टीटास्किंग एंड एवरीथिंग वाज सुपर स्मूथ, कोई भी लैग वगैरह मुझे देखने को नहीं मिला। यू कैन क्लियरली सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ कि कितना बेहतरीन ये मल्टीटास्किंग को हैंडल करता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द गेमिंग पार्ट ऑफ दिस डिवाइस, मैंने इस डिवाइस में स्क्रैम्बल गाइस करके जो गेम है मैंने उसको भी खेला विच इज़ डेफिनेटली अ गुड गेम टू टेस्ट एनी काइंड ऑफ परफॉर्मेंस बूस्ट। सो मैंने जब इस डिवाइस में इस गेम को खेला ना मुझे एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन इसका एक्सपीरियंस लगा। द ओवरऑल GPU रेंडरिंग वॉज ऑल्सो वन पॉइंट एंड मुझे कोई भी हीटिंग वगैरह लैग ये सब फील नहीं हुआ। ऑब्वियसली आप कुछ सारे ट्रिपल ए टाइटल्स एंड मल्टीप्लेयर वाले गेम्स को तो उतना ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस के प्ले नहीं कर पाओगे, बट स्टिल एक डिसेंट से परफॉर्मेंस के लिए एंड कंसिडरिंग द प्राइस रेंज आपको जो परफॉर्मेंस इस डिवाइस में देखने को मिलता है ना वो काबिले तारीफ है।
कैमरास की अगर हम बात करें तो Realme Narzo 50A Prime में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है विद द प्राइमरी रियर कैमरा ऑफ 50 मेगापिक्सल। इसके साथ आपको एक ब्लैक एंड व्हाइट लेंस एंड एक ऑल्सो एक मैक्रो लेंस भी देखने को मिल जाता है। यू कैन क्लियरली सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ कि कितने सारे बेहतरीन फोटोज को मैंने इस डिवाइस के साथ कैप्चर किया है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, दी एवरी फोटो टर्नड आउट वॉज रियली प्रीटी डिसेंट एंड काफी बेहतरीन मुझे इसका डायनामिक रेंज भी लगा कंसिडरिंग दी प्राइस रेंज। आपको सारे के सारे फोटोज में एक प्रॉपर बैलेंस्ड कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस शार्प देखने को मिल जाएगा। एंड फ्रंट कैमरे की अगर हम बात करें तो फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है विद सम एआई सपोर्ट। एंड यू कैन क्लियरली सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ कितने बेहतरीन एंड डिसेंट सेल्फीज को मैंने इस डिवाइस के कैमरा के साथ कैप्चर किया। लास्टली बैटरी की अगर हम बात करें तो इस डिवाइस में आपको 5000 मिली एम्पर एक बिगर बैटरी साइज देखने को मिल जाता है विच इज रियली अमेजिंग कंसिडरिंग द प्राइस रेंज। एंड ऑल्सो आपको इस डिवाइस में ना 18 वोल्ट का एक सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन है अगर आप इस प्राइस रेंज को कंसिडर करो तो। नाउ इन माई पर्सनल यूजेज मैंने जो नोटिस किया ना, अगर आप एक फोन के मॉडरेट यूजर ना देन यू कैन ईजिली गेट अराउंड 1 to 2 days ऑफ स्टैंड बाई टाइम। अगर दिन में आप 5-6 घंटा ही फोन को यूज करते हो फॉर द कॉलिंग एंड यू नो व्हाट्सएप काइंड ऑफ पर्पस, बट अदर देन दैट अगर आप यू नो गेमिंग वगैरह करते हो या फिर आप काफी हाई परफॉर्मेंस करते हो अपने स्मार्टफोन के साथ, बट देन आपको इजीली एक दिन का एक स्टैंड बाई टाइम तो देखने को मिल ही जाएगा। सो दैट्स रियली अ गुड थिंग। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट शुड यू एक्चुअली बाय दिस डिवाइस और नॉट। अभी देखो यार, इन माय पर्सनल यूजेज आई फाउंड दिस डिवाइस रियली गुड एंड यूजफुल फॉर अ डे टू डे यूजेज। नाउ इसका डिस्प्ले थोड़ा सा लोअर क्वालिटी का है बट स्टिल द परफॉर्मेंस एंड द पेयर ऑफ कैमरास इट हैज इज रियली गुड एंड अमेजिंग कंसिडरिंग द प्राइस रेंज। सो अगर आप एक बजट स्मार्टफोन के तलाश में होना एंड यू हैव अ बजट ऑफ 10 to 12,000 rupees देन Realme Narzo 50A Prime कैन बी अ रियली गुड चॉइस फॉर यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस डिवाइस को परचेज करने के लिए बेस्ट बाय लिंक भी देखने को मिल जाएगा, सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। आई एम दीपांजल फ्रॉम एंड्रोकन साइनिंग ऑफ एंड मैं आपको मिलूंगा एक नए और एक्सटर्निंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय।